देखिए खोरी गांव की तस्वीर है। हम एक पिछले एक महीने से हम यहां की पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आज लगभग 150 मकान तोड़ दिए गए हैं। दरअसल मीडिया को भी यहां पर अंदर नहीं आने दिया था, मीडिया को भी बाहर ही रोक दिया गया था पुलिस द्वारा। तस्वीर देख सकते हैं, यहां के खोरी गांव के लोग हैं। मीडिया को भी एक होटल में ले जाकर वहां पर भी बंद कर दिया गया था कि मीडिया अलाउ नहीं है, अंदर मीडिया नहीं जा सकती है। मीडिया वाला कोई भी कर्मी यहाँ नहीं आया। और लगभग एक मस्जिद और 150 घर तोड़ दिए गए हैं। उससे पहले ऊपर हुई थी, जो ऊपर सरदार कॉलोनी थी, अब नीचे भी तोड़फोड़ चल रही है। यहाँ पर जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, प्रशासन लंबे समय से कह रहा है कि मकान खाली करिए, लेकिन ये खोरी गांव के वो लोग हैं, गरीब मजदूर लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से आकर बस अपने रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन आज बारिश पड़ रही थी और प्रशासन यहाँ पर इनके मकान गिरा रहा था। और ये लोग देख सकते हैं, तस्वीर हम खोरी गांव की दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है, माना जाएगा, लेकिन इसी पहाड़ी पे तमाम बड़े बड़े होटल हैं, फोम हाउस हैं, उनके आदेश नहीं है, वो भी तो पहाड़ी पर हैं। क्या उनसे पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है? क्या खोरी गांव के लोग ही पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं? घर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखिए, ज़िंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान, मकान इन लोगों के टूट गए। बड़ी मेहनत मुश्किल से इन लोगों ने अपने यहाँ पर आशियाने बनाए थे, लेकिन आज आशियाने टूट गए हैं इनके। सबसे बड़ी बात देखिए, प्रशासन ने मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया था, मीडिया पर भी बाहर रोक दिया गया था। पुलिस प्रशासन ने इन जो लोगों के घर टूटे, ना कोई कैंप की व्यवस्था की है, ना रोटी पानी की, इनके मकान टूट गए, कहाँ रहेंगे ये लोग? बारिश भी है, ऊपर से बारिश भी पड़ रही है, डर लग रहा है, क्या करूँ, अब कहाँ जाओ, कहाँ जाओगे आंटी जी, अब क्या सोचा? एक तो बारिश के टाइम है, कहाँ जाएंगे बच्चे लेके, बताओ। कोई व्यवस्था नहीं की है पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया अभी, कुछ पाते, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आप लोग खाली। गर्मी दिया गया था, गरिमा मित्तल है, गरिमा मित्तल, हाँ, उनका कुछ निकला था न्यूज़पेपर में, उन्होंने बोला कि जिनके पास यहाँ का वोटर आईडी और शायद से जिनका यहाँ पे कागज वगैरह है, उसे उन्हीं को मकान दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है कोई प्रूफ, वो कहाँ जाएंगे? जो फरीदाबाद या हरियाणा के रहने वाले, उनको मकान दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। और जिनके पास माना कि दिल्ली का है या इसके अलावा कहीं का नहीं है, ना दिल्ली का है ना हरियाणा का, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? पर यहाँ तो ज्यादातर लोग बाहर के, हम पिछले एक महीने से आ रहे हैं, वो बनी बातें भी, कोई लोग यूपी से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई झारखंड से, हम खुद यूपी से, हरियाणा के तो बहुत कम लोग हैं, हम खुद यूपी से हैं, समझ रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आए हैं। भैया, हम इंडिया के हैं, कहीं के भी हैं, हिंदुस्तानी है, भारत के हैं, हमारा अधिकार है भारतवर्ष में। अच्छे, ऐसा भी समझा जा रहा है कि बांग्लादेश के लोग हैं? कोई नहीं है बांग्लादेश का, ये आप कह रहे हैं ना, बांग्लादेश का समझा जा रहा है? हाँ, समझा जा रहा है। तमाम लोग हम बात कर रहे हैं, सबके पास आधार कार्ड है, सबके पास राशन कार्ड बने हुए, सारे लोग इंडिया के हैं, सारे भारतवर्ष के लोग हैं। कैसा अन्याय है, अन्यायपूर्ण कार्य किया गया, गरीबों को बारिश में ये घर तोड़ दिया गया है, बारिश में, समझना, देखिए क्या क्या हाल है। होटल भी पहाड़ी पर ही है, हाँ, तो वो होटल पहले टूटना चाहिए, पहले तो होटल टूटना चाहिए, तभी बच्चे सब के जान मार रहे हैं, बताओ। तो कोई साजिश लग रही है क्या आपको? हाँ, साजिश तो है, है साजिश, छोटे छोटे बच्चे साजिश नहीं, कहीं ये तो रैली करने दे, छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे, प्रशासन बताएगा ना, छोटे छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट बताए कि हम लोग कहाँ जाए, कुछ तो बताएंगे ना, मतलब कहाँ जाए, कहाँ रहे, क्या करें, खाने पीने का व्यवस्था क्या है, कुछ तो बताएगी ना प्रशासन, हमें कुछ रास्ता दिखाए। लोगों ने कुछ सोचा है क्या? कोई क्या सोचे, हम यही सोचे हैं, जहाँ तोड़ दिए वहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे, यही सोच के बैठे हैं, चाहे कुछ भी कर ले, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले, यही रहेंगे, जो करना है करे, तोड़े फोड़े जो मर्जी करना है करे, हम सारे जुल्म सहने के लिए तैयार है, लेकिन जाएंगे नहीं यहाँ से, कोई भी नहीं जाएगा, यही रहेगा। आंटी, कोई मदद के लिए आ रहा है आपकी? कोई मदद, कहाँ मदद के लिए आ रहे हैं, बस रिपोर्टिंग करके चले जाते हैं, क्या है क्या नहीं, बस ये पूछ के, हाँ, वो लोग चले जाते हैं, पर यहाँ से कोई भी सरकार वगैरह कोई नहीं आने दिया पुलिस। हाँ, वो बात आपकी सही है, वो मानते हैं नहीं, वो हम ऐसा है ना, आप ही को नहीं, जो यहाँ पे देखने भी आ रहे थे उनको भी यहाँ पे आने नहीं दिया गया था, हम लोग भी सोच रहे थे जब ये पुलिस वगैरह यहाँ से गई है, तो हम लोग यहाँ पे आके देखे हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे पे जाने का कैसे, क्यों घर है दूसरा, क्या सोच रहे हैं? दूसरा घर क्या, जब कमाने को नहीं है तो दूसरा घर कहाँ से व्यक्ति खरीदेगा? जिन लोगों से आपने जमीन खरीदी वो आ रहे हैं अब आपकी मदद के लिए? जिन्होंने मकान ये जमीन खरीदवाई थी वो तो खत्म हो चुके, वो तो खत्म हो गए, इक्का दुक्का जो बचे थे जिनके ऊपर केस लागू हो गया वो लोग तो भाग गए। अब किनको कौन पकड़े, आप उनको पकड़िए जाके, वो तो पुलिस का काम है।
देखिए समस्या तो है, ये गरीब मजदूर तबके के लोग हैं जो यूपी बिहार या हर जगह से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिल्ली एनसीआर में आते हैं, उन लोगों ने यहाँ पर जमीनें खरीदी हैं। काहे का बड़ा शहर है ये, क्या देता है बड़ा शहर है? रोज रोटी रोजगार के लिए सर वहाँ से छोड़ के व्यक्ति यहाँ पे आया, जब यहाँ की सरकार नहीं सोच रही लोगों के बारे में तो वहाँ की सरकार क्या सोचती होगी? या तो नहीं माना कि देखो भैया, और बच्चे अगर इंसान है वहाँ बिहार का है, अगर बिहार की सरकार सोचती यहाँ के लिए हम सुविधा दें तो क्यों वो दूसरे देश में आए, अपनी जगह छोड़ के आए? छोड़ के क्यों आए आप खुद बताइए इस चीज को। मस्जिद भी वो भी तोड़ दिया है, धार्मिक मंदिर मस्जिद सब तोड़े गए हैं यहाँ पे, सब जो भी लोग खड़े हैं हर मजहब के लोग हैं, सब एक बराबर हैं, कोई किसी के लिए देखो आज इन पे है कल उधर पे है, यहाँ पे सब एक जैसे ही तो हैं। लेकिन अब मैडम सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, प्रशासन कह रहा है हर हालत में हम तो मकान अब ये यहाँ से खाली कराएंगे, तो अब आप लोगों ने क्या सोचा, क्या यहीं अभी तो भैया हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा इस बारे में, अब हम लोग के पास कोई जरिया नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे 8 साल हो गए, पहले हम लोग किराए पे रहते थे, अब यहाँ पे अपना मकान ले लिया, हाँ हमें भी यहाँ पे, लेकिन यहाँ तक अभी तक वोटर आईडी नहीं बनवा पाए हैं, बताओ ना राशन कार्ड है, कहते हैं कि प्रूफ लेके आओ, प्रूफ लेके आओ, जब हमारे पास ना वो बिजली का बिल है वो ना वोटर आईडी, तो कहाँ से भाई प्रूफ लेके आएंगे? लेकिन अभी तक ऊपर जो ऊपर से तोड़े जा रहे मकान, अब तो नीचे तोड़ने आ गए वो हैं, जब से सरदार कॉलोनी में तोड़े जा रहे थे 3-4 दिन। भाई इस बारे में तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग इधर के यहीं के रहने वाले हैं, तो इधर ही भैया आते जाते हैं। देखिए इन लोगों के लिए बड़ा दुख भरा दिन है आज का, तमाम लोग ये वो लोग हैं जो मजदूर तबके के लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाने के सहारे ये दिल्ली एनसीआर बड़े बड़े शहरों की तरफ आते हैं। ये खोरी कॉलोनी है, पिछले एक महीने से बड़ी सुर्खियों में है, लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, कोई भी पार्टी या कोई भी नेता संगठन इसलिए दूरी बना रहा है, इनकी मदद नहीं कर पा रहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए वजह से वो हर कोई दूरी बना रहा है इन लोगों से, कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। आज बारिश पड़ी है, तमाम मकान यहाँ पर कम से कम 100-150 मकानों को जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए नहीं आया, ना पुलिस ने कोई इनके लिए रहने के लिए कैंप बनाया है, ना कुछ बनाया है। लोग अभी देखे ऐसी तस्वीर है खोरी गांव की, देखिए खोरी गांव की हम आपको आज तस्वीर दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद आज खोरी गांव में फिर से जो मकान है उनको तोड़ा जा रहा है, लेकिन बारिश के कारण यहाँ पर जो डेमोलिशन था वो रोक दिया गया है। तमाम लोग देखिए ये सड़कों पर हैं खोरी गांव के, और पुलिस प्रशासन भी है, आज उसको रोक दिया गया खोरी गांव के क्योंकि बारिश हो रही थी। तमाम अमला यहाँ पर खोरी गांव का पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ पर आए। दरअसल मैटर क्या है, खोरी गांव 40-45 वर्ष पुराना गांव बताया जा रहा है, यहाँ पर लगभग 10,000 आवास हैं, 10,000 घर बने हुए हैं यहाँ पर कम से कम, और उनमें 1 लाख की आबादी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये जो ज़मीन है ये नगर निगम की ज़मीन है, यहाँ पर जिस प्रकार के बोर्ड लगाए गए हैं, पहले इसको वन विभाग की ज़मीन बताया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है नगर निगम की ज़मीन है इसको, और यहाँ पर ये जो मकान है ये अवैध रूप से बसे हुए हैं क्योंकि इनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो यहाँ के खोरी गाँव के निवासी भी कहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने इनको ये ज़मीनें बेची थी प्रोवाइड करी थी वो माफिया लोग थे, यहाँ सब लोग मिले थे, पुलिस प्रशासन हर कोई लोग मिला हुआ था यहाँ पर, मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सुबह से लगातार यहाँ पर मीडिया को बैन कर रखा है यहाँ पर कि अंदर आप नहीं जा सकते हैं, पता नहीं क्या इनका रीज़न है, क्या कारण है, क्या सुरक्षा की दृष्टि है, इसलिए से मीडिया को अंदर नहीं जाने देने। तस्वीर खोरी गांव की है।